कोलकाता कैश कार्ड मामले में जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, खिजरी से कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप और कोलेबिरा से कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी को निलंबित किया गया था। शुक्रवार को उनका निलंबन खत्म हो गया। नमन विक्सल कोंगाड़ी से खास बातचीत की है रांची से सहयोगी सौरभ राय ने। झारखंड कांग्रेस के तीन निलंबित विधायक इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप जी को आज वापस पार्टी में लाया गया। हमारे साथ विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी जी मौजूद हैं। दादा, लंबे समय के बाद आप लोग फिर से वापस पार्टी में आए, निलंबित वापस लिया गया है, कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बात? बहुत उत्साह का है हमारे लिए भी, कार्यकर्ताओं के लिए भी और पार्टी के लिए भी, क्योंकि पार्टी में फिर हम उसी जोश और उत्साह के साथ पार्टी की मजबूती के लिए और आम जनता के लिए हम इस फॉर्म में मजबूती से लड़ाई लड़ने में हम को अवसर मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्या लगता है, एक साजिश के तहत आप लोग को फंसाया गया था, इतने समय तक आप लोग पार्टी से बाहर रहे हैं? राजनीति में ऐसी परिस्थिति आती है, कुछ लोग भ्रम का स्थिति फैलाए थे जिसे माननीय हाईकोर्ट ने उस भ्रम की स्थिति को खत्म किया और इस केस से हमें बाहर निकाला और पार्टी से हमारी बातें हुई और पार्टी ने हमें संगठन के लिए काम करने का निर्देश दिया था और हम लोगों ने इतने दिनों तक निलंबन रहने के बावजूद भी पार्टी संगठन के फोरम में लोगों की आवाज़ को बुलंद किया और आज पार्टी ने महसूस किया कि अब निलंबन मुक्त हो जाना चाहिए और आज जिसकी घोषणा विधिवत रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर ने यहाँ पर किए हैं, इसे कांग्रेस और हमारा क्षेत्र निश्चित तौर से मजबूत हुआ है और हम लोग सब मिलकर जनहित के मुद्दों को बुलंद करेंगे और एक सुंदर माहौल इस झारखंड में बनाएंगे और देश और झारखंड को उन्नति के शिखर तक ले जाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से नमन जी ने कहा है कि पार्टी में वापस आने के बाद उसी जोश के साथ ये फिर से कार्य करेंगे। रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय, सहयोगी राकेश के साथ रांची।